डेली न्यूज 360.com में पेश है नॉर्थ ईस्ट की बड़ी खबर। नारी शक्ति और बेटी बचाओ की बात करने वाले मोदी भूल गए महिलाओं को। जी हां, त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में भाजपा ने मात्र 4 महिलाओं को ही टिकट दिया है, जबकि राज्य में सत्ता पर काबिज माकपा ने 7 महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारा। वहीं कांग्रेस ने भी 3 महिलाओं को उम्मीदवार के तौर पर टिकट दिया। पिछले विधानसभा चुनाव में माकपा ने 5 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था और सभी ने चुनाव जीते थे, तो उसी को देखते हुए इस बार भी पार्टी की तरफ से 7 महिलाओं को टिकट दिया गया है। अब देखना ये होगा कि ये महिला उम्मीदवार इस बार भी माकपा के लिए तुरुप का इक्का साबित होती हैं या नहीं। बता दें कि त्रिपुरा में 18 फरवरी को चुनाव है और राज्य में माकपा 60 और भाजपा 51, तो कांग्रेस 56 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। तीनों राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है।